जब जीने का कोई मकसद ही ना हो तो जिंदगी को और ढूंढने का क्या फायदा। लेकिन मैं हारना नहीं चाहती, लेकिन अब लगता है कि मैं जिंदा ही क्यों हूँ। खुद को कोसती रहती हूँ मैं, अब तक तो मुझे मर जाना चाहिए था, पर मैं तो मर भी नहीं पाती। तो तुमने अपनी जान लेने की कोशिश की है? अनुज सर, बस पहुंच गया हूं, बारी हूं। पंद्रह मिनट लेट हो तुम, मालूम है तुम्हें? सर बताइए कितना लोड करना है? ज्ञानेश्वर को बताया तो था, उसने लिस्ट नहीं दी तुम्हें? दी थी सर, पर टैली भी तो करना पड़ता है। तो करो टैली। टोटल तीन अलग अलग एरिया की 22 एटीएम में 18 करोड़ डालना है। कौन से एटीएम में कितना कैश डालना है सब मेंशन है इसमें, चेक करो। बबलू चलो। पापा की कृपा से इस बार भी कॉर्पोरेशन के चुनाव में आप ही जीतोगे। हर बार की तरह इस बार भी शुभारंभ तुम्हारे हाथों से हुआ है। मैं चुनाव का नामांकन भरने जा रहा हूँ, इस मौके पर भी लोकेंद्र साथ नहीं चल रहा मेरे। आप उसे मिला लीजिए। नमस्कार, आदाब, मैं अनूप सोनी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय के आज के एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। हम सबके जीवन में ऐसी बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका शायद कभी कभी हमें कोई सोल्यूशन नजर नहीं आता है। एक तरफ एक युवती काव्या थी जो जिंदगी से हार मान चुकी थी, और दूसरी तरफ एक युवा लोकेंद्र था जिसकी जिंदगी उसका साथ छोड़ चुकी थी, और इन दोनों की उलझनों के कारण बेहद चौंकाने वाले थे। वो दोनों ऐसे पीड़ित थे जिनको तबाह करके लालच का एक पुल तैयार किया गया था, और वो पुल अब एक ऐसा रास्ता अख्तियार कर चुका था
जहां हर मील के पत्थर पर एक कत्ल की दास्तां लिखी गई थी। ये एक विनाशकारी रास्ता था जिसको मंजिल तक पहुंचाने के लिए एक ऐसा रोड मैप तैयार किया गया था कि पुलिस को हर तरफ सिर्फ एक डेड एंड नजर आने वाला था, और पुलिस के लिए केस था रेस अगेंस्ट द टाइम। चलता हूं मैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है? काम होने के बाद फोन करना जल्दी। ठीक है, जा जाओ। हेलो सर, बबलू और संजीव का कुछ पता नहीं चल रहा है, दोनों के नंबर भी बंद आ रहे हैं। तो वो दोनों मर कहां गए? और तुमको मैंने कहा था ना कि वैन छोड़कर बिल्कुल नहीं उतरना। सर आपको बोला था ना मैंने। अब ये सोचो कि पुलिस को क्या बोलना है, वैन का जीपीएस सिस्टम भी डीएक्टिवेट हो चुका है, 11:30 बजे की लास्ट लोकेशन दिखा रही गगनपुरा, उसके बाद तो वैन का आता पता भी नहीं है। डैडी, मैं तो इंजेक्शन से रोई भी नहीं। यस, यू आर स्ट्रॉन्गर। अब तो आप मुझे फन विलेज लेके चलोगे ना? यस, लेकर जाएंगे, लेकिन पहले आप एकदम फिट हो जा, फिर चलेंगे फन विलेज। मैं फिट ही तो हूँ। अच्छा एक मिनट, जैन सर। आदिल, मैं जानता हूँ कि तुम लीव पर हो, लेकिन अगर तुम टाइम निकाल सको तो एक इमरजेंसी केस है। सर प्लीज ऑर्डर कीजिए। एलएनसी बैंक की 18 करोड़ से भरी कैश वैन गायब हो गई है, और मैं जानता हूँ कि इस केस को तुम्हारे सिवा और कोई भी हैंडल नहीं कर सकता। इससे पहले कि बैंक का पूरा पैसा हमारी पहुंच से दूर चला जाए, हमें किसी भी हालत में क्रिमिनल्स को पकड़ना होगा। समझ गया सर, आई एम रेडी। सब इंस्पेक्टर मनीष ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी है, मैं उससे कहता हूँ कि फौरन तुम्हें रिपोर्ट करें। सर तुम दोनों के गाड़ो ड्राइवर गायब हैं, तो क्या हम ये मान लेंगे कि सिर्फ वो दोनों इस कांड में शामिल हैं? तुम दोनों नहीं हो, बबलू और संजीव तुम दोनों के कहने भी गायब हुए ना? चलो बताओ कहाँ हैं दोनों। सर आप खामखा शक कर रहे हो। सर हम दोनों तो खुद ही बबलू और संजीव को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। सर आप मुझे थोड़ा टाइम दीजिए, मैं खुद ही उन्हें ढूंढ के ले आऊँगा। अच्छा तू ढूंढ के लाएगा उन्हें, इसका मतलब तू जानते हैं कि वो दोनों कहाँ हैं? चल बता कहाँ हैं दोनों, बोल। नहीं सर मुझे अगर वो दोनों नहीं मिले ना तो तुम दोनों जिंदगी भर जेल में सड़ोगे। ये चलो इन दोनों को। सर अभी कर, सर अभी नहीं होता। सर काव्या कहाँ गई थी तू? दादा वो और कहाँ जाएगी, उसी लड़के से मिलने गई होगी। पापा इसकी वजह से बीमार है और इसे तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, मैडम को घूमने से फुर्सत नहीं। वही नहीं, बाबा का ख्याल मैं रखूंगी, आप फिक्र मत कीजिए। तुम ना अपना ध्यान रख लो बस। पापा दवाई। बाबा नका मत बोलो, जरूरत नहीं है इसके बीच में पड़ने की, इसके चक्कर में बर्बाद हो जाएंगे हम। बेटा वो सर, वो कैशमैन एलएनसी बैंक के साबरमती ब्रांच से सुबह 10:30 बजे 18 करोड़ रुपए कैश लेकर निकले। नॉर्थ और नॉर्थ वेस्ट साइड्स के 3 एरियाज के 22 एटीएम में उस वैन से पैसा भरा जाना था, लेकिन सर वैन एक भी एटीएम तक नहीं पहुंची, और 11:30 बजे गगनपुरा एरिया में वैन का जीपीएस डीएक्टिवेट कर दिया गया, तभी से वो कैशमैन ट्रेस नहीं हो पाई। सर हमने गगनपुरा के आसपास के सभी एरियाज की बैरिकेडिंग करवा दी है, लेकिन कोई लीड नहीं मिल रही है। तो हमें अभी भी लग रहा है कि वो वैन गगनपुरा के आसपास ही होगी। वैन का जीपीएस कितने डीएक्टिवेट हुआ? 11:30 बजे। सर अभी बजा 1:30, 2 घंटे। 2 घंटे में वो वैन गगनपुरा से तकरीबन 120 किलोमीटर से ज़्यादा आगे निकल गई हो। गगनपुरा के 150 किलोमीटर के रेडियस में जितने एग्जिट पॉइंट है सबको सील करवाओ। इस रेडियस में 12 टोल नाके, अगर कैश वैन ने एक भी टोल नाका क्रॉस किया तो हमें डायरेक्शन मिल जाएगी। मनीष हमें जल्द से जल्द उस वैन तक पहुँचना है और पूरे 18 करोड़ सेव करने।
इतनी बड़ी लूट? मुझे नहीं लगता सिर्फ एक गार्ड और ड्राइवर इतना बड़ा कांड कर सकते हैं। सर मुझे कैश मैनेजमेंट मैनेजर ज्ञानेश्वर और कस्टडियन राकेश मेशक है, दोनों को अरेस्ट किया है लेकिन दोनों को चुगल ही रहे। हमें बैंक मैनेजर अनुज से मिलना चाहिए और गार्ड और ड्राइवर जहां से गायब हुए हैं उसकी लीड फैमिली से मिल सकती है, फैमिली को कॉन्टैक्ट करो। ऑलरेडी एक टीम भेजी थी सर गार्ड संजीव के घर, उसने एजेंसी को शांति चौक का एड्रेस दिया था। वहां पहुंचने पर पता चला कि गार्ड संजीव 6 महीने पहले वहां से शिफ्ट हो गया था। अब कहां शिफ्ट हुआ ये उसकी एजेंसी वालों को भी नहीं पता था। इस संजीव की फैमिली में कौन कौन है? संजीव की एक पत्नी है सर उर्मी सिंह, अब ये दोनों कहां रहते हैं इसका पता लाने की कोशिश कर रहे हैं। और वो गार्ड बबलू? सर ये केशवबाड़ी एरिया में रहता है, अभिषेक को भेजा पता लगाने के लिए। बबलू कहां है? बोल क्यों नहीं रही हो? बबलू कहां है? पूरा घर चेक करो, अंदर देखो सर, जाओ कहां है बबलू? अरे कुछ बोल क्यों नहीं रही हो? साहब 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 मेरी बेटी बोल नहीं सकती है। आप कौन है और बबलू के क्या लगते हैं? बबलू मेरा बेटा है साहब, और हमें मालूम है कि आप लोग बबलू पर शक कर रहे हैं, उसकी एजेंसी वाले भी धमका कर गए हैं। साहब बबलू ने कुछ नहीं किया है। अगर उसने कुछ नहीं किया है तो फिर वो गायब कहां है? साहब हम लोग खुद परेशान हैं, उसका फोन मिला रहे हैं तो फोन नहीं मिल रहा है। साहब उसे फंसाया जा रहा है। कौन फंसा रहा है उसे? मैं चारों ओर खुद को घिरा पाती हूँ, दिल दिमाग सब कुछ काम करना बंद कर देता है। डॉक्टर आपके पास कोई ऐसी दवा है क्या जिससे मेरे दिमाग में जो भी ये ख्याल आते हैं ना वो सब बंद हो जाए? तुम्हें दवा की नहीं काउंसलिंग की जरूरत है, ये तो हमारा सेकेंड सेशन है, तुम बार बार आते रहोगे। मैं नहीं आ पाऊंगी बार बार, मैंने अपने घर वालों तक भी नहीं बताया कि मैं यहाँ पे इलाज के लिए आ रही हूँ। काव्या, मानसिक अशांति से निजात पाने का पहला स्टेप है कि ये जो दिल और दिमाग में है ना उसको दबाओ मत, सब कुछ सच सच बता दो। वो सच चाहे कितना भी कड़वा क्यों ना हो, तुम पे कोई क्राइम हुआ है या तुमने कोई क्राइम किया है, जो भी है सब कुछ सच सच बता दो, ये हम दोनों का सीक्रेट होगा। सर सीनियर्स सीनियर्स की मैसेज आ जा रहे हैं, प्रेशर बहुत बढ़ गया है सर, प्लीज जल्दी कुछ कीजिए। हम अपनी ओर से पूरी कोशिश कर रहे हैं, आप ये बताइए आपको किसी पर शक है? मुझे तो वो कैश मैनेजमेंट वालों पे ही शक है सर, 18 करोड़ ले जाने के लिए सुबह सिर्फ एक वैन भेजी थी उन्होंने। सुबह जो वैन आई थी बैंक में मैंने तभी पॉइंट आउट किया था बात, ये कैसे काम करते हो तुम लोग, 18 करोड़ ले जाने के लिए एक वैन भेजी है? मैं करता हूँ ज्ञानेश्वर से बात, आई कैन नॉट टेक दिस रिस्क। सर 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 रिस्क की कोई बात नहीं है, मैं हूं ना सर, थोड़ी प्रॉब्लम है समझिए, एक वैन खराब है, दूसरी वैन का ड्राइवर छुट्टी पे गया हुआ है, मैं सब संभाल लूंगा सर, आपका काम हो जाएगा, वी डोंट वरी। तो अगर आपको सुबह ही राजेश पे शक हो गया था तो आपने 18 करोड़ लेकर उसे कैश वैन के साथ जाना अलाउ क्यों किया? सर ट्रस्ट कर लिया, बट आई एम वेरी श्योर ये ज्ञानेश्वर और राजेश दोनों मिले हुए इस रॉबरी में, वो बबलू और संजीव तो सिर्फ मोहरे हैं उनके। बबलू और संजीव मोहरे थे या असल खिलाड़ी, इसका अंदाजा ही लगाया जा सकता था, लेकिन उनके गायब होने के पीछे ऐसे कई चेहरे थे जो सामने आने बाकी थे। सर मुझे अपनी वाइफ के साथ उसके मायके जाना था, इसलिए मैंने ज्ञानेश्वर सर से आज के दिन की बहुत पहली छुट्टी ले ली थी, उन्होंने मुझसे कहा था कि कैश वैन के बैंक से निकलने के बाद तुम सब कुछ बबलू और संजीव के हाथों सौंप कर तुम निकल जाना, इसीलिए 11:45 मैं सुंदर विहार पे वैन से उतर गया था सर। चलो चलता हूँ मैं। ठीक सर, उसके बाद क्या हुआ मुझे सच में नहीं मालूम है सर। सर वो बहुत मंदी है ना, तो 3 वैन का खर्चा बचाने के लिए हम लोग एक ही वैन का इस्तेमाल कर रहे थे, इसीलिए एक वैन भेजी थी सर। एक वैन इसलिए भेजी थी क्योंकि एक ही बार मोटा हाथ मारना चाहते थे, और राजेश को वैन से उतरने के लिए इसलिए बोला क्योंकि बबलू और संजीव के साथ पूरी प्लानिंग पहले से कर रखी थी। नहीं नहीं सर, कोई प्लानिंग व्लानिंग नहीं की थी हम लोगों ने, बल्कि राजेश ही उल्टा बार बार छुट्टी चाहिए बोलता था। सर अब मुझे समझ में आ गया, ये ना छुट्टी के नाम पे अपने आप को बचाने का दिमाग लगा रहा था सर राजेश। दिमाग अब तुम लगा रहे, अगर राजेश पे शक था तो पहले इन्फॉर्म क्यों नहीं किया? सर राजेश पे शक था लेकिन बबलू और संजीव पे पूरा भरोसा था सर,
क्योंकि 6 महीने पहले भी हमारे कैशवैन को लूटने की कोशिश की गई थी, तब अपनी जान पे खेल करके बबलू और संजीव कैशवैन को वापस लेकर आए थे सही सलामत। 6 महीने पहले वैन लूटने की कोशिश किसने की थी? सर ये तो आज तक पता नहीं चल पाया, लेकिन वो मामला पटेल नगर पुलिस स्टेशन में दर्ज है। तो फिर जब संजीव ने एड्रेस चेंज किया तो उसने अपडेट क्यों नहीं किया? सर वो बबलू ने सर उसके दिमाग में कचरा भर दिया होगा इसीलिए। कहना क्या चाहते तुम? सर बबलू की बहन है इसलिए उसकी शादी नहीं हो रही थी, लेकिन बबलू ने अपनी बहन के लिए लड़का ढूंढ लिया था, वो उसके दहेज में 5 लाख रुपए देना चाहता था, उसी के जुगाड़ में लगा हुआ था वो। तुझे 5 लाख का लोन चाहिए वो भी कंपनी से? भूल जा लोन नहीं मिलेगा। अरे इधर पगार टाइम से मिलता नहीं है, तुझे लोन कौन देगा? लेकिन राजेश बाबू आपका तो अनुज सर से अच्छा जमता है ना, तो आप उनको बोल दो ना कि मुझे बैंक से लोन दिलवा दे। सर लेकिन कहीं से पैसों का इंतजाम नहीं हो पा रहा था, शायद इसलिए 18 करोड़ देखकर बबलू की नीयत डोल गई होगी। सर साहब ये सही बात है कि वो अपनी बहन की शादी अपने दोस्त से करवा रहा था, जिसके लिए वो उस लड़के को 5 लाख रुपए भी देना चाहता था, लेकिन मैं खिलाफ था। बाबा ये दहेज नहीं है, मेरे दोस्त को बिजनेस शुरू करने के लिए 5 लाख रुपए की ज़रूरत है। हम अगर उसे 5 लाख रुपए दे देंगे तो शादी के बाद वो पैसे विवाह के ही काम आएंगे ना, और वैसे भी बड़ी मुश्किल से कोई तैयार हुआ है विवाह से शादी करने के लिए। पर बेटा ये 5 लाख देंगे कहाँ से उसको? बाबा हम विवाह की खुशी के लिए अपनी ज़मीन बेच देंगे। और साहब बबलू ने हमारी ज़मीन को 10 लाख रुपए में बेच दिया, उनमें से 5 लाख रुपए तो विवाह के होने वाले पति को बिजनेस के लिए दे दिए, और बाकी बचे 5 लाख रुपए की एफडी करवा दी। पूरे 18 करोड़ के साथ गायब है वो, अगर आप कुछ भी जानते हैं तो बता दीजिए, वरना आप दोनों साथ में अंदर जाएंगे। क्या सोच रही हो? मैं जानता हूं तुम क्या सोच रही हो, यही ना कि तुम मुझे पसंद करती हो और मैं तुम्हें पसंद करता हूं कि नहीं? मैं तुम्हें अपनी जान से ज्यादा प्यार करता हूं। सुधीर मैं वाहिद। दोबारा ऐसा मत बोलना, तुम्हारे पैर खराब है तो क्या हुआ, लेकिन तुम्हारा मन बहुत सुंदर है, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। मुझे लगा था कि सुधीर मुझसे हमेशा प्यार करेगा, मैं भी उसे पसंद करने लगी थी, लेकिन लेकिन क्या काव्या तुम चुप क्यों हो गए, क्या हुआ, कहीं वो लड़के ने तुम्हारे साथ कुछ गलत? नहीं नहीं डॉक्टर ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर प्रॉब्लम क्या है? चार घंटे गुजर गए, इन 4 घंटों में इस कैश वैन ने 150 किलोमीटर के रेडियस में ना तो कोई टोल नाका क्रॉस किया और ना ही किसी भी सीसीटीवी में कैप्चर हुई। आई स्ट्रांगली फील लुटेरे गगनपुरा के आसपास से कहीं छुपे हुए, सारी पेट्रोलिंग टीम को अपडेट करो। आप फोकस सर। सर संजीव के कॉलिंग से उर्मी का नंबर मिला है और उर्मी का नंबर अभी मदनपुरा एरिया में एक्टिव है। हो सकता है उर्मी संजीव के साथ फोन पर टच में, उसका फोन सर्विलेंस पर डाल दो, उसके फोन की लोकेशन ट्रेस करके हम उस तक पहुंचेंगे, बट डोंट कॉल, उससे वो अलर्ट हो जाएगी। और एक खास बात है सर, उर्मी का फोन अभी जहाँ पे एक्टिव है वहाँ पे संजीव का फोन सुबह शाम एक्टिव रहता था, इसका मतलब है कि दोनों उसी एरिया में रहते हैं। पता करो एग्जैक्टली कहाँ रहते हैं। क्या चाहती हो तुम, क्यों अवॉइड कर रही हो मुझे? ठीक है अभी दे दो सर, एक मैसेज आया सर। हेलो सर, गगनपुरा के पास के जंगल में वो कैश वैन खड़ी मिली है, ओवर सर। सर सर ये देखिए, पूरे 18 करोड़ की लूट है सर, सारी पेटियां खाली कर दी हैं, एक भी पैसा नहीं छोड़ा है उसे। सर इस पेटी में बबलू की लाश है, सर मुझे लग रहा है सारा खेल संजीव का किया हुआ है। संजीव अकेला इतना पैसा गायब नहीं कर सकता, उसके साथ और लोग भी होंगे, इनके साथ मिलकर उसने बबलू को मारा, बबलू को मारने के बाद उन्होंने ये पूरा पैसा किसी दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर किया होगा, जिस गाड़ी से वो पैसा लेकर भागे, हो सकता है वो गाड़ी इस कैश वैन को पहले से फॉलो कर रही, जहां जहां से कैश वैन गुजरी उन सब जगह के सीसीटीवी क्लोजली मॉनिटर करो और पता करो
क्या कोई पर्टिकुलर ऐसी गाड़ी थी जो कैश वैन को लगातार फॉलो कर रही थी? सर, उस कैश वैन से लूटे गए 18 करोड़ पुलिस की पहुंच से बहुत दूर नजर आ रहे थे, लेकिन जल्द ही पुलिस ने कैश वैन के गार्ड संजीव की बीवी उर्मी का पता लगा लिया था। उर्मी जी, अंदर चेक करो। पास। अरे अरे, आप ऐसे ऐसे अंदर कैसे जा रही है? अरे कोई कादा कानो जैसी कोई चीज होती है कि नहीं? अरे अरे, कहां जा रही है? कहां क्या ढूंढ क्या रहे आप? सर, ऊपर कोई नहीं है। अरे कौन होगा हमारे घर में? एक मिनट, इस बैग को उतारो। इस बैग में क्या है? बैग बैग में क्या होगा? बैग बैग में कुछ नहीं है। अरे आप मेरा विश्वास क्यों नहीं करते? बैग में कुछ नहीं है। देखा, कुछ नहीं मिला ना। तुम्हारा पति संजीव कहाँ है? वो ड्यूटी पर गए। ड्यूटी पर नहीं है वो, 18 करोड़ की लूट करके फरार है वो। क्या? जी हाँ, और इतना ही नहीं, उसने वैन के ड्राइवर बबलू का मर्डर भी किया। मेरे पति ऐसा कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कभी जिंदगी में किसी का एक रुपया नहीं लिया, पर अब 18 करोड़ की बात कर रहे हैं। और ऐसी कोई बात होती ना तो सुबह वो हमारी सगाई की अंगूठी लेके नहीं जाते बेचने के लिए। क्या? हाँ, सोने की अंगूठी। हाँ, वो भी हमारी सगाई की, पूरे 7,000 में बेची, वो भी घर का किराया भरने के लिए। पूर्वी, अंगूठी बेच के भी सिर्फ 7,000 का जुगाड़ हो पाया? ये सब कहानियां बहुत सुनी हमने थाने में मैडम। अभी सीधी तरह से बताओ संजीव कहाँ है, बोलो। मेरा बच्चा रो रहा है, उठा दिया ना उसे, पता भी है आपको वो कितना बीमार है मेरा बच्चा। अरे नहीं बेटा, चुप हो जा, मैं हूँ ना। हाँ, तो मेरा बच्चा बहुत बीमार है और आप लोग हमें परेशान कर रहे हैं। हाँ मनीष, बोलो। तो संजीव की पत्नी का कहना है कि वो नहीं जानती कि संजीव कहाँ है, उससे ज्यादा इंक्वायरी नहीं कर पाए, उसका बच्चा बीमार था, रोने लगा। शायद ये बच्चे की आड़ लेकर पूछताछ से बच रही है, और ये जानती है कि वो संजीव कहाँ है। नजर बंद रखो इसे। सर, ये संजीव इतनी बड़ी लूट में इन्वॉल्व है, पक्का इसने प्लानिंग भी लंबी की होगी। एक काम करता हूँ सर, इसकी पिछले दिनों की एक एक एक्टिविटी का पता करवाता हूँ। मनीष, फिलहाल हमें 18 करोड़ सेव करने पे फोकस करना है। लूट हुए 7 घंटे से ऊपर गुजर चुके हैं, अगर लुटेरे हमारी पहुँच से निकल गए तो पैसा सेव करना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन सर, अभी तक हमें इस बात का अंदाजा तक नहीं है कि उस कैश को वैन से निकाल कर किस गाड़ी में ले जाया गया होगा। शायद वो अलर्ट है, इसलिए शहर से भागने की गलती नहीं कर रहे हैं। पर 18 करोड़ की लूट हुई है तो लंबी प्लानिंग की गई होगी। 18 करोड़ कैश उसको ट्रांसफर करने के लिए हो सकता है बैग खरीदे गए हों। उस एरिया में जितनी भी मार्केट है सबको स्कैन करो। सर, शहर में इतनी मार्केट्स हैं, इतनी जल्दी कैसे पता होगा? मनीष, करना पड़ेगा, हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, जस्ट डू इट। पता है रे तेरी असलियत? मेरी अपाहिज बहन को शादी का झांसा देकर उसकी जायदाद पे नजर है तेरी? अरे आप मेरी बात चल, एकदम सांगून ठेव तो मेरी बहन से दूर रहे वरना जान ले लूंगा तेरी। चल चला रे। आप बाबा से तीन अच्छा लड़का है। क्या हो गया काम? बाबा, इसके मोह में पागल मत बनिए आप। उस लड़के से शादी करेगी नहीं तो यह बर्बाद हो जाएगी। मेरे भैया भाभी को लगता था कि सुधीर चीटर है, लेकिन मेरे पापा को मुझ पे भरोसा था, उन्हें सुधीर पसंद भी था। पर तुम्हारे पापा तुम्हारे साथ थे तो प्रॉब्लम क्या था? तुम्हारा सुधीर से दूर होने का कारण तुम्हारे भैया थे या कुछ और? 18 करोड़ की लूट हुए 12 घंटे बीत चुके थे और अंधेरा होने के बाद पुलिस को उन क्रिमिनल्स तक पहुंचने का कोई जरिया नजर नहीं आ रहा था। सर, 8 बजे तक तो खबरियों को मार्केट में छानबीन की इन्फॉर्मेशन ही पास आउट हो पाई थी और थोड़ी ही देर में सारे मार्केट बंद हो गए। अब तो मार्केट में सुबह इंक्वायरी हो सकती है। संजीव की बीवी उर्मी से कोई हिंट नहीं मिल रहा। हम अफ्रेड लुटेरे कहीं हमारे यहाँ से दूर ना निकल जाए। कहाँ भाग रही है? कहाँ भागेंगे हम? अरे हमारा बच्चा है, हम अपने बच्चे को छोड़ के भागेंगे? ऐसी बहुत देखी है मैंने जो अपने फायदे के लिए अपने बच्चों का भी नहीं सोचती। ये क्या बोल रही है आप? हम अपने बच्चे के लिए दूध लेने जा रहे थे, अब उसे दूध भी ना पिलाए क्या? अब आपकी परमिशन हो तो दूध लेने जाए। साला किस्मत ही खराब है, तेरे चक्कर में मैं भी फिस रहा हूँ यहाँ पर। मेरे चक्कर में क्या? सब आपका किया धरा है सर।
इस मैं गया हूं बीच में। तू ना ज्यादा नौटंकी मत कर, समझा ना? अच्छी तरह से जानता हूं तू है क्या। क्या समझते हैं आप, क्या समझते हैं बताइए ना। बताओ तेरे को मैं साले तेरा तो मुंह मैं खुलवाऊंगा और पता करवाऊंगा कि सारा पैसा गया कहां पे है। तेरी तो हाल उठाएगा मेरे ऊपर। क्या लगा रखा तुम लोगों ने, इतना मार खा के भी तुम लोग सुधरे नहीं। सर इसको चर्बी चढ़ गई है, अपने आप को सच्चा साबित करने के लिए पीट रहा, मुझे बताइए। नहीं नहीं हवलदार साहब, इसकी नौटंकी पे बिल्कुल ध्यान मत देना। इसको ना आप एक बार तबियत से तोड़ो, उसके बाद देखना ये बताएगा पैसा गया कहां। मैं आपको बता रहा हूं इसको तोड़िए, ये बताएगा सब सच क्या है, सब पैसा इसने गोल किया है। सर तुम मतलब मेरे को तोड़वाएगा? संजीव की बॉडी, दूसरी बॉडी किसकी? सर मैं गाड़ी का रजिस्ट्रेशन नंबर डिटेल्स निकलवाने के लिए हेडक्वार्टर भेजता हूँ। और आसपास पता करो किसने कुछ देखा है क्या। सर सर ये देखिए सर, गाड़ी का फ्यूल टैंक ऑलमोस्ट खाली है। मतलब गाड़ी लेकर गोल गोल घूमते रहे, फ्यूल खाली हो गए, फिर भी गाड़ी को पेट्रोल पंप पर ले जाकर फ्यूल भरवाने का रिस्क नहीं लिया और गाड़ी को यहीं डंप करके चले गए। अभिषेक क्या अपडेट है? सर मैंने आरटीओ से पता किया, वो गाड़ी गणेश महात्रे के नाम पर रजिस्टर्ड है। गणेश महात्रे कहाँ रहता है? सर वो वाकड़ का रहने वाला है और उसके घर वालों ने उसकी मिसिंग कंप्लेंट भी फाइल करवाई है। सर वो दोपहर से ही गायब है। इस गणेश महात्रे की फोटो मुझे भेजो तुरंत। ये तो गणेश मात्र ही, ये तो साफ जाहिर है सर कि गणेश की गाड़ी को लूटने के लिए इसकी हत्या की गई है। लेकिन सर संजीव को तो बबलू के साथ ही मार दिया गया होगा, तो फिर बबलू की लाश को वहाँ कैशवैन में छोड़ के संजीव की लाश को गणेश की लाश के साथ यहाँ क्यों लेकर आए होंगे? ये सब करने के पीछे इनका मकसद क्या होगा? सलाम साहब, सब मैं यहाँ बल्क में ले गए बैग सर, कैश में ले गई एक्सपेंसिव चीज़ों के बारे में पता कर रहा था, लेकिन इस दुकान वाले ने मेरे को एक अजीब से कस्टमर के बारे में बताया। सर कल शाम को एक लड़का आया था, उसने दो लग्जरी रिस्ट वॉचेस ली थी। वाह यार ये दोनों मस्त हैं, दोनों दे दो और ये फीमेल वाला ना मस्त गिफ्ट में पैक कर दो। सर देखने में वो बहुत ही ऑर्डिनरी लुकिंग था, लेकिन उसके पास इतने पैसे देख करके मैं चौंक गया। मैंने सोचा शायद पैसे नकली ना हो, इसलिए मैंने उसे कहा कि कार्ड से पेमेंट कीजिए, इस पे वो भड़क गया। तू जानता है किससे बात कर रहा है तू? सब इंस्पेक्टर आर एस अगारिया का छोटा भाई हूँ मैं। इंस्पेक्टर आर एस अगारिया? जी सर, उसने कहा कि मैं उसका भाई हूँ, लेकिन सर मैंने इससे पहले उसे कभी नहीं देखा था। ये कल की सीसीटीवी फुटेज दिखाई। सर सीसीटीवी तो एक महीने से खराब है सर। वो 2000 के नोट्स तो होंगे आपके पास? हाँ सर है। दिखाइए जल्दी। सर हमें नोट्स की फोटो लेनी होगी। जी सर। अभिषेक सर हेलो सर, ये नंबर उस सीरीज के पैसों से मैच हो रहे हैं। सर बैंक मैनेजर अनुज का कहना है कि इन नोटों की सीरीज उन 18 करोड़ वाले नोटों से मिलती है। जिसका मतलब है वो लड़का लूट में शामिल था और लूट के पैसों से खरीदारी करने आया। दुकान के आसपास जहां जहां सीसीटीवी है सबको खंगालो, किसी ना किसी कैमरे में जरूर कैप्चर हुआ होगा। सर हम लगातार फॉलो कर रहे हैं सर। यस सर, यस सर, सर जैसे कुछ होता है मैं अपडेट करता हूँ आपको। ओके सर। सर आर एस अगारिया नाम का एक सब इंस्पेक्टर गोविंद नगर थाने में पोस्टेड था, उसके बारे में पता किया तो पता चला कि वो 16 दिनों से गायब है। What? जो लड़का लूट के पैसों से घड़ियां खरीदने आया था वो खुद को सब इंस्पेक्टर अगारिया का भाई बता रहा था, और अब ये अगारिया भी 16 दिनों से गायब है। कहीं ये सब इंस्पेक्टर अगारिया भी इस लूट में शामिल तो नहीं? पॉसिबल है सर। और एक बात सर, सब इंस्पेक्टर अगारिया का एक जूनियर है,
फोन पर अगारिया के मिसिंग होने की कुछ और ही गाने सुना रहा है, उसको बुलवा लिया है, आता ही होगा। सर अगारिया सर का तो कोई सगा भाई नहीं था। सगा ना सही, सौतेला होगा, कजिन होगा, यार दोस्त होगा, कोई तो होगा, वरना कोई ऐसे खुद को अगारिया का भाई क्यों बोले। अच्छा ये अगारिया 16 दिन से गायब क्यों? सर गायब नहीं है वो, मुझे डाउट है कि उनको किसी ने गायब करवाया है। किस पे डाउट है? डरो नहीं, बोलो बोलो। सर हमारे एरिया के कॉर्पोरेटर आनंद कुमार सर, उसी के बेटे की संदिग्ध मौत का केस सॉल्व कर रहे थे अगारिया सर। ये सब कुछ जब हुआ तो लोकेंद्र के पास कौन था? कोई नहीं था, वो ऊपर अकेला था। आपके कहने का मतलब है कि लोकेंद्र गलती से नीचे गिर गया? शायद उसने खुद अपनी जान ले ली। लेकिन आपका बेटा लोकेंद्र ऐसा करेगा क्यों? सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने मेरा फैसला उस पर थोपना नहीं चाहिए था। ए लोकेंद्र, इतने बड़े नेता की बेटी का रिश्ता आया तुम्हारे लिए और तुम मना क्यों कर रहे हो? पापा मैं मर जाऊंगा लेकिन शादी नहीं करूंगा। कान खोल के सुन ले, अगर तेरी शादी होगी ना तो मेरी पसंद की लड़की से ही होगी। मेरी तरह उसने भी जिद पकड़ ली थी, लेकिन एक बाप होने के नाते मुझे उसे समझ लेना चाहिए था, मैं उसे नहीं समझ पाया। सर उसने बताया था कि उसके बेटे ने दूसरे फ्लोर से कूदकर आत्महत्या की है, लेकिन सर जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई तो कुछ और ही सामने आया था। आनंद जी आपने हमें बताया था कि आपके बेटे ने ऊपर से कूद के आत्महत्या की, लेकिन इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के हिसाब से आपके बेटे की गला दबा के हत्या की गई थी और उसके बाद उसकी लाश को दूसरी मंजिल से नीचे फेंक दिया गया। उसकी हत्या करेगा कौन? शायद आप, क्योंकि इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह भी क्लियर हो चुका है कि आपका बेटा गे था। ए क्या बकवास कर रहे हो तुम? तो नीचे आनंद जी, आप ही ने हमें बताया था ना कि आप अपने बेटे की शादी करवाना चाहते थे, लेकिन वो इस शादी के खिलाफ था, और जब आपको पता चला कि आपका बेटा गे था, आपने उसे दूसरी मंजिल से फेंकवा के मरवा दिया। ए, जानता किससे बात कर रहा है तू? अघारिया, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे तेरी वर्दी उतरवाने में। और सर अगले दिन से अघारिया सर मिसिंग है। सर मुझे पक्का डाउट है इस आनंद कुमार ने अघारिया सर को गायब किया है। ठीक है, थैंक यू सर। सर कहीं अघारिया के इशारे पर ये कांस्टेबल उसको बचाने की कोशिश तो नहीं कर रहा है? मुमकिन है, हो सकता है रॉबरी का लिंक इस अनंत कुमार से कनेक्टेड हो। मिलो इस अनंत कुमार से। सर हेलो पुलिस स्टेशन। काव्या तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मुझ पे भरोसा रखो, मैं हर कंडीशन में तुम्हारे साथ हूं। आपका दिमाग खराब हो गया क्या? मैं भला अघारिया को गायब क्यों करूंगा? क्योंकि डाउट था सब इंस्पेक्टर अघारिया को, ये आपने मरवाया था अपने बेटे को। कोई डाउट आउट नहीं था उसे, बल्कि वो ये चाहता था कि मैं उसे डर के उसे लाखों रुपए दे दूं, और इसी वजह से मेरे बेटे को मरवाने का आरोप मुझ पर लगाने की कोशिश कर रहा था वो। अच्छा, झूठ बोलकर सच को बदल रहे हैं या फिर अगारिया से ब्लैकमेल लाऊं इसलिए अगारिया को? क्या सबूत है आपके पास मैंने अगारिया को गायब किया? आपके बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ी है मैंने, काफी कुछ क्लियर हो गया उसे। बस एक सबूत और, उसके बाद काफी लंबा अंदर जाने वाले हैं। कैमरा टीम शिफ्ट कर दे। सर आइए। सर एक बात है, पता नहीं अपने काम किया है या नहीं। बात क्या? सर एक प्रभा नाम की साइकेट्रिस्ट ने एक कंप्लेंट फाइल करवाई है, उसके एक पेशेंट है जो कि रेप विक्टिम है, और उसका कहना है कि एक पुलिस वाले ने उसका रेप किया है। कौन है पुलिस वाला? सर वो तो पता नहीं, लेकिन हमारे इस रोबरी वाले केस में भी एक पुलिस वाले का नाम आ रहा है, इसलिए सोचा आपको बता दूं। ये विक्टिम लड़की रहती कहाँ, नाम क्या है? सर आपने तो प्रॉमिस किया था ना आप किसी को नहीं बताएंगे। काव्या ऐसे लोग बाहर रहेंगे तो तुम्हारी तरह दूसरे लड़कियां भी मुसीबत में पड़ जाएंगे। काव्या आपको किसी से डरने की जरूरत नहीं, जो भी हुआ था साफ साफ हो गया। उस रात मैं और बाबा घर वापस आ रहे थे, तभी एक पुलिस वाले ने हमारी गाड़ी रोक दी। क्या हुआ सर? हमारी गाड़ी रुकते ही 3 और लोग आ गए थे।
उन्होंने मेरा वीडियो भी बनाया था सर। उन्होंने हमें धमकी भी दी थी, अगर पुलिस के पास गए तो वीडियो अपलोड कर देंगे। सर वो आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे, भरोसा रखिए। काबे, क्या वो पुलिस वाला ये था? नहीं सर, ये नहीं था। सर उसके बैच पे आर एस अघारिया लिखा हुआ था। और ये कब की बात है? 7 नवंबर की रात को। सर आप कह रहे हैं कि काव्या का रेप हुआ 7 नवंबर को, और काव्या का रेप करने वाले एक आदमी ने आर एस अघारिया के नाम की यूनिफॉर्म पहनी थी। लेकिन सर अघारिया तो 30 अक्टूबर से ही गायब है और रेप हुआ 7 नवंबर को। इसका मतलब यह है कि अघारिया को वाकई गायब किया गया और क्रिमिनल उसकी यूनिफॉर्म इस्तेमाल कर रहे हैं। सर अघारिया को गायब करवाने का शक आनंद पे है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उन रेपिस्ट के साथ आनंद का भी कनेक्शन है? इतने सब का 18 करोड़ की रॉबरी से क्या कनेक्शन होगा? अघारिया के केस की एक एक डिटेल निकलो और हेडक्वार्टर पहुंचो, मैं वहीं मिलता हूं। प्रेम, काव्य और उसके फादर से क्रिमिनल्स के स्केचेस बनो। सर हेडक्वार्टर लो। काव्या एक रेप विक्टिम थी, लेकिन क्या उसके रेपिस्ट वाकई पुलिस वाले थे या फिर अपराधियों की ही ये कोई मोडस ऑपरेंडी थी जो पुलिस की वर्दी का इस्तेमाल करके इन वारदातों को अंजाम दे रहे थे? सर काव्या और उसके फादर ने इन 4 लोगों के स्केच बनवाए, लेकिन इनमें से एक भी स्केच सब इंस्पेक्टर आर एस अघारिया से नहीं मिलता है। तो हो सकता है जिस लड़के ने खुद को आर एस अघारिया का भाई बताकर वो घड़ियां खरीदी थी और दुकानदार को धमकाया था, वो लड़का इनमें से कोई एक हो। देखिए इनमें से किस लड़के ने घड़ी खरीदी थी आपसे, गौर से देखिए। ये दोनों मस्त है, दोनों दे दो। ये वाला लड़का था, इसने वो 2 घड़ियां खरीदी थी। ये घड़ी भी अच्छी है और अपना वक्त भी अच्छा है। हाँ लेकिन ये 18 करोड़ के गद्दे पर लेट लेट कर तो मेरी नींद ही उड़ गई है। भाई लोग, 18 करोड़ के जश्न की रात और रिमी के हाथ की बिरयानी, वजह दुगना हो गया। अरे रिमी, ये एक्स्ट्रा प्लेट किसके लिए? आप हमारे लिए। ऐसे क्या देख रहे? रिमी ने बताया नहीं, इस दावत पर रिमी ने तुम लोगों को हमारे कहने पर बुलवाया। तो मुकेश, तुम 5 साल पहले जिस बैंक में एम्प्लॉय थे उसी में गबन किया और फिर भी तुम्हारा पेट नहीं भरा, तो मैं तुम्हारा पेट भरूं? और जेल में तुम्हारी मुलाकात हुई मिस्टर जस्टिन से, जिसे जेल पहुंचाया था इंस्पेक्टर अघारिया ने। साहब मेरे को अघारिया से बदला लेने का था। हम जेल से बाहर आए तो हमारी मुलाकात अवध और सुबोत से हुई। सुबोत, तो तू आनंद कुमार का सपोर्टर है? सर मैंने अघारिया के जूनियर को ये सारे स्केचेस दिखाए, उसने इसमें से एक लड़के को आइडेंटिफाई किया है। सर ये, इसका नाम सुबोध है और ये आनंद कुमार की पार्टी का कार्यकर्ता है। सर सुबोध के कॉलिंग कोड से रिमी नाम के एक लड़के का नंबर मिला है, शायद इस रिमी से सुबोध और बाकी क्रिमिनल्स की लीड मिल जाए। ये है वो रिमी। तेरे इस गैंग में आनंद कुमार का क्या रोल है? उनका कोई रोल नहीं था सर, उनका के बेटा मेरा लवर था सर। मैं तो उसके पैसे पे ऐश करके उसे मजे देता था सर। वो पागल हो गया था मेरे लिए सर। उस दिन मैं छिप के उससे मिलने गया तो उसने मुझसे कहा कि अच्छा हुआ तुम आ गए और अब मैं तुमसे ही शादी करूँगा।
और बाबा को भी बताऊंगा, और अगर बाबा नहीं मानेंगे ना तो हम भाग के शादी करेंगे। सर ये सुन के ना मेरा माथा ठनक गया था सर, तो सर मैंने गला घूट के उसे मार दी और उसे वो खिड़की से नीचे गिरा दिया सर। अगारिया को पता चल गया था कि लोकेंद्र का मर्डर हुआ है, तो सर हम लोग कहीं उसकी नज़रों में ना आ जाएं, इसलिए हमने उसे मिलके मार दिया सर। और सर उसकी वर्दी निकाल कर हमने रख ली और सोचा कि उसका आगे भी इस्तेमाल कर हम लोग कांड करेंगे। और सर उस दिन शाम को उस लड़की को देखकर हमारा उस पर दिल आ गया था। अब हमें छोटी मोटी लूट नहीं करनी थी साहब, बड़ा हाथ मारना था। फिर से पुलिस की वर्दी का सहारा लिया और बबलू को भी पटाया। बबलू नहीं नहीं मैं ये नहीं कर सकता। अरे बबलू सुन, डर क्यों रहा है तू? और पुलिस है ना अपने साथ। और आखिरकार बबलू हमारी बातों में फंसी गया साहब। उसने हमें बोला कि जैसे उसे मौका मिल जाएगा वो पूरा अपडेट हमें दे देगा। अरे बबलू गाड़ी इधर किधर मोड़ रहा है? वो जो सारसूत बाग का ATM है ना, वो यहाँ से नज़दीक है। पुलिस गाड़ी लेके जंगल के रास्ते कहाँ जा रहा था? आने का बहन जो है वो पैसे क्यों खींची? जल्दी से कोई इसको गाड़ दो इधर किधर भी, और मेरे को बेहोश कर दो। पुलिस को मैं बता दूंगा होश में आने के बाद कि संजीव सारा पैसा लेके भाग गया। उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी। बैंक की मैन पकड़े जाने का डर था ना, तो हमने एक और गाड़ी पहले से लूट के रखी थी सर। हमने बबलू की लाश वहीं गाड़ी में छोड़ दी थी और हमारा प्लान था कि संजीव की लाश को उस गाड़ी वाले के साथ कहीं और गाड़ देंगे, और इतने में रास्ते में हमारा तेल खत्म हो गया सर। तो हमने सर हमारी गाड़ी वहीं खड़ी कर दी और बैग लेके वहां से भाग गए सर। पुलिस ने एक ऐसे गिरोह को बेनकाब किया था जो काफी लंबे समय से लूट और हत्या की वारदातों को अंजाम दे रहा था, लेकिन काव्या एक ऐसी विक्टिम है जो आज भी उनकी क्रूरता से गहरे धक्के में है। लेकिन हम उम्मीद करते हैं कि काव्या जिस परिस्थिति से गुजर रही है वो जल्द से जल्द उससे सही सलामत बाहर आ पाएगी। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी क्राइम पेट्रोल सतर्क के ब्लैक हेडलाइंस अध्याय में एक और नए केस के साथ। और याद रखें, क्राइम और आपके बीच में सिर्फ इतना फर्क है कि आप कितने सतर्क हैं। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।